नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तराखंड से हटेगा राष्ट्रपति शासन, फिर बनेगी हरीश रावत की सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण के नतीजे का ऐलान करते हुए बताया कि हरीश रावत के पक्ष में 33 विधायक थे और भाजपा के पक्ष में 28 विधायकों ने अपना मत दिया। अटॉर्नी जनरल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हरीश रावत ने बहुमत साबित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई आगे भी होगी। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद हरीश रावत बतौर मुख्यमंत्री काम कर सकते हैं। हरीश रावत की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि यह एक निष्पक्ष फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कॉल ड्रॉप पर उपभोक्ताओं को नहीं मिलेंगे पैसे। उच्चतम न्यायालय ने कॉल ड्रॉप के खिलाफ प्रहार लगाने के मामले में मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को बुधवार को राहत प्रदान की। अदालत के इस फैसले से अब उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप पर पैसा नहीं मिलेगा। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अपील स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि हमने इस रद्द नियम को अधिकार क्षेत्र से बाहर मनमाना, अतर्कसंगत और गैर पारदर्शी करार दिया। ब्रिटेन ने माल्या को निर्वासित करने से इनकार किया, राज्यसभा में बोले अरुण जेटली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सार्वजनिक बैंकों के हजारों करोड़ रुपए का ऋण नहीं लौटाने और धन शोधन के आरोपी शराब कारोबारी विजय माल्या को देश में लाने के लिए अब आरोप पत्र दाखिल करने के बाद प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। सदन के नेता ने शून्यकाल में कहा कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्रिटेन ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रिटेन में वैध पासपोर्ट के साथ प्रवेश करता है तथा बाद में पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है तो निर्वासन संभव नहीं है। हफ्ते में दलित संत समागम समाज नीति है, भाजपा ने कहा। भाजपा ने दलित समाज के संतों के साथ पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के सिंहस्थ स्नान एवं सहबोज को राजनीति से परे समाज नीति बताया है और कहा है कि इससे दलित समाज को भक्ति मार्ग की मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनय सहस्त्रबुद्धे ने बुधवार को कहा कि शाह के कार्यक्रम का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। यह कार्यक्रम भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अंतर्निहित सामाजिक एकता के भाव को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। भाजपा महासचिव ने कहा कि देश में लंबे समय तक दलित समुदाय को भक्ति मार्ग से दूर रखा गया। आम आदमी पार्टी ने कहा, केंद्र के दबाव में है डीयू के रजिस्ट्रार। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री को सही करार देने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तरुण दास केंद्र सरकार के दबाव में हैं। आप नेता आशुतोष ने कहा कि जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी गए तो कुलपति और रजिस्ट्रार दोनों ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। अब हमें समझ में आया कि वे प्रधानमंत्री को बचाने में व्यस्त हैं। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।